हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुमीपा किचन में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोग लिए मीठे में लेकर आई हूँ बेसन की चकती, या आप सभी लोग कह सकते हैं बेसन की बर्फी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है और इसको घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। तो आइए बेसन की चकती बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हम एक बाउल में 2 कटोरी बेसन लेंगे। अब इसमें हम 3 चम्मच घी डालेंगे। हम इसमें घी का यूज़ करेंगे, तेल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। आप जितना इसमें घी का यूज़ करेंगे बर्फी उतनी ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। अब घी को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको सादा पानी से आटे को तैयार करेंगे। आटे को हमें टाइट तैयार करना है और सॉफ्ट होना चाहिए आटा, हमारा गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम पूड़ी के लिए आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से आटा तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप देखेंगे कि आटा गूंथ कर तैयार है। ये कितना टाइट है और सॉफ्ट है, ये गीला बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से हम आटा तैयार करेंगे। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितने साइज़ की लोइयां बना रही हूँ। इसी तरीके से हम सारी लोइयां बना लेंगे। ये मैंने सारी लोइयां बना के रख ली हैं। अब हम इनको बेलना स्टार्ट करेंगे। एक लोई को हम पहले सबसे पहले चकोटी पे रखेंगे। अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बेलना है, हमें पूड़ी के समान ही लोई को बेलना है। इस तरीके से आप देखेंगे। अब इसी तरीके से मैं सारी लोइयों को बेल कर रख लूँगी। आप देखेंगे कि हमारी सारी पूड़ियाँ बिलकर तैयार है। अब इनको हम घी में डीप फ्राई करेंगे। तो मैंने पहले से कढ़ाई में घी को गर्म करने के लिए रख दिया था। घी हमारा ऑलरेडी पूरी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक पूड़ियों को डालकर दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब घी पूरी तरीके से गर्म होगा तभी हम इनको डीप फ्राई करेंगे। और हम इनको घी में ही डीप फ्राई करेंगे, तेल में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेसन की बर्फी में आप जितना घी यूज़ करेंगे बेसन की बर्फी उतनी ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। आप देखेंगे कि ये सारी पूड़ियाँ अच्छे से घी में डीप फ्राई हो गई हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएंगी तो उनके हम छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब पूड़ी पूरी तरीके से ठंडी होएंगी तभी हम इनको पीसेंगे। ये देखिए मैंने इनको पीस लिया है। अब इनको हम एक बाउल में रख देंगे और इसी तरीके से हम सारी पूड़ी को पीस लेंगे। आप देखेंगे कि मैंने सारी पूड़ियों को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसको कढ़ाई में सेक लेंगे। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब इसको हम कढ़ाई में डालकर 5 से 7 मिनट तक सेक लेंगे। इसको हमें कंटिन्यू चलाना है और अच्छी सी खुशबू आ जाने तक हम इसको सेक लेंगे। पाँच से सात मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। इसमें 1 कटोरी हम शक्कर डालेंगे। अब इसमें हम 2 कटोरी पानी डालेंगे और गैस को ऑन कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको तब तक चलाएँगे जब तक कि शक्कर हमारी पूरी तरीके से घुल ना जाए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप देखेंगे कि शक्कर पूरी तरीके से घुल गई है। अब गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे और इसको 1 मिनट तक और पका लेंगे। चाशनी को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। आप देखेंगे कि चाशनी में सफ़ेद झाग आने लगा है। चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। तो 1 कटोरी में हम थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच ऑरेंज फूड कलर लेंगे। दोनों को मिक्स करके चाशनी में डाल देंगे। आप देखेंगे चाशनी का कलर ऑरेंज हो गया है। हम एक बार चाशनी को चेक करके दिखाएंगे। तो 1 कटोरी में पानी लेंगे, इस पानी में हम 1 बूंद चाशनी की डालेंगे। आप देखेंगे चाशनी इसमें बैठ गई है, मतलब चाशनी बनकर तैयार है।
अब हम एक बार गैस पर चेक करके दिखा देते हैं। गैस पर इस पर एक बूंद डालेंगे, आप देखेंगे ये बूंद हल्की सी जम गई है। और हाथ से चेक करेंगे तो आप इसको उंगली से चेक कर लीजिएगा, हल्का सा चिपचिपापन आ गया है और एक तार बनने लगा है, मतलब चाशनी परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और घी को इस चाशनी के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम सिका हुआ बेसन डालेंगे जो हमने पूरी पीस कर सेका था, 1-1 चम्मच डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा, चाशनी हमारी पूरी तरीके से ठंडी नहीं होना चाहिए। जैसे ही इसमें बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए तुरंत हम ट्रे में घी लगाकर ग्रीस करेंगे और इस चाशनी को ट्रे में अच्छे से जमा लेंगे। ये मैंने ट्रे में पहले से घी लगाकर ग्रीस कर ली है, अब इसमें हम जल्दी से चाशनी को जमा लेंगे। हमने बेसन की बर्फी को एक ट्रे में अच्छे से जमा लिए, इसमें हल्का सा घी लगाकर इसको आप चिकना कर लीजिएगा। ये अभी हल्की सी गर्म है तो हम गर्म में ही हम इसको कट कर लेंगे ताकि ये जल्दी आसानी से कट हो जाए। इसको ठंडे में कट मत कीजिएगा नहीं तो ये टूट के बिखर जाएगी। हल्की कुनकुनी हो आप इसको तभी कट कर लीजिएगा, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। बेसन की बर्फी कटकर तैयार है, इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। आप देखेंगे कि मैंने इसको चांदी की पट से डेकोरेट कर दिया है। अब इसके 1-1 पीसेस को निकालकर हम प्लेट में जमा लेंगे। वाओ, बेसन की बर्फी हमारी पूरी तरीके से तैयार है। थोड़ी मेहनत की रेसिपी है लेकिन मेहनत भी हमारी रंग जरूर लाती है। एक बार आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा और इस बेसन की बर्फी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। फैमिली, बच्चों और फ्रेंड को टेस्ट कराइए और 100% है कि सबको ये जरूर पसंद आएगी। यदि आप सभी लोगों को मेरे बेसन की बर्फी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।